किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 69वां दिन किसान आंदोलन का लगातार आंदोलन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का भी ऐलान कर दिया है। 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया गया। स्टेट और नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। सभी हाईवे को 12 से 3 बजे तक जाम रखा जाएगा। किसानों का आंदोलन 69वें दिन भी जारी है और अब किसान आंदोलन को बढ़ाते हुए आगे 6 फरवरी को चक्का जाम करने वाले हैं। गाजीपुर सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का भी ऐलान कर दिया है। पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, अभी फिलहाल क्या करंट स्टेटस किसान आंदोलन को लेकर और इसके अलावा 6 फरवरी को लेकर क्या प्लानिंग? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार अभी जिस तरीके से सरकार से वार्ता बंद है और लगातार काफी दिनों से जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। इसको लेकर किसानों ने साफ तौर पर कल चुनौती है, मीटिंग लेने के बाद साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चे की कल मीटिंग हुई थी। 3 घंटे की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि 6 तारीख को पूरे देश में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा चक्का जाम करेंगे। साफ तौर पर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन पर किसान उतरेंगे। जिस तरीके से लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि इतने दिन होने के बावजूद भी अभी भी सरकार कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाल रही है, हमसे बातचीत नहीं कर रही, तो आगे आने वाले समय में सरकार को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल, 2 फरवरी को लेकर होने वाली बातचीत के लिए कितना सकारात्मक या कितने आशावादी किसान फिलहाल नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से 2 फरवरी की बात करें, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कहीं ना कहीं जो मेल है या फिर कोई ऐसा लेटर ऑफिशियल किसानों को नहीं मिला है। किसान यही कह रहे हैं कि सरकार लगातार काफी लंबे समय से तारीख पर तारीख देती आई है, ऐसे में सरकार से अब किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। अब किसान चाहते हैं कि जल्द से जल्द देश के प्रधानमंत्री उनसे डायरेक्टली बात करें और मसले को हल करें। जी जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल किसान क्या इसी मांग पर अड़े हैं कि आप कानून ही वापस ले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा था अपनी मन की बात कार्यक्रम में भी और सर्वदलीय बैठक में भी कि एक फोन कॉल दूर है बस किसान, तो ऐसे में राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया था कि न किसानों का सम्मान जाएगा ना ही प्रधानमंत्री का सम्मान जाएगा, दोनों का सम्मान बना रहे ऐसा कुछ किया जाए, तो अब जब उन्होंने ये बात कही थी तो क्या इससे समझे कि किसान थोड़ा बहुत समझौता करने को तैयार होंगे आगे? बिल्कुल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं ये बात कही थी एक फोन कॉल की, और उसके बाद राकेश टिकैत ने जिस तरीके से बयान दिया था, उम्मीद यही है कि अब दोबारा जब सरकार और किसान टेबल में बैठेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। पर अभी देखने की बात है क्योंकि किसानों में काफी ज्यादा रोष है। सिंधु बॉर्डर की बात करें या फिर अलग अलग बॉर्डरों की बात करें तो काफी ज्यादा रोष है और लगातार किसानों में संख्या में अभी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गाजीपुर में लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हो गए और ऐसे में हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित है और तमाम जो बॉर्डर है वहां पर पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर रखा है। तो ऐसे में अब सरकार और किसान दोबारा से एक बार फिर टेबल पर बैठ सकते, जो जानकारी है और जानकारी के अनुसार ये है कि आगे आने वाले समय पर सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म कराया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का आंदोलन 69वें दिन भी जारी है और तमाम जो मेन बॉर्डर्स है वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।